उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में बिजली के तारों की चपेट में आने से नरहाथी की मौत। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के अंतर्गत ग्राम जयनगर नंबर 3 क्षेत्र में चारे की तलाश में एक नरहाथी जंगल से बाहर आकर खेत में चारा खा रहा था। खेत के ऊपर से 11,000 की विद्युत लाइन गुजर रही है। तार नीचे होने के कारण हाथी को करंट लग गया। मौके पर हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने खेत में जैसे ही मरा हुआ हाथी को देखा तो इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। वन विभाग के SDO मयंक मेहता एवं वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से गुजर रही 11,000 KV विद्युत लाइन की तारों ने नीचे होने के कारण हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। कहीं ना कहीं ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल या निशान लगाते हैं। तो ये जंगल विभाग जो है इसमें कारगर है, जिसमें कि इन्होंने नाला निकालना चाहिए था, सोलर फेंसिंग इन्होंने लगानी चाहिए थी। 4-5 साल हम पहले सुनते थे भी हमारा भी, चलो इसमें हमारा भी हो जाएगा, सोलर फेंसिंग लग जाएगा, हमारे को अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जबकि बाद में देखा इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ना सोलर फेंसिंग लगाया, अपने संजय वन की तरफ से तो इन्होंने लगा दिया। हमारे इधर जो छतरपुर हो गया, ये जयनगर नंबर 2-3 हो गया, यहाँ पे कोई नाली नहीं निकाली। नाली निकाली भी तो है, दो मीटर ढाई मीटर, उससे ज़्यादा नहीं निकाली है, क्योंकि हाथी बड़ा है जानवर, वो तो 6 फुट की वैसे ही एक कदम में रखने में 6 फुट उसका भरपाई हो जाती है। तो ये इन्होंने देखना चाहिए था, सोलर फेंसिंग लगानी चाहिए थी भी जंगली जानवर इधर ना आ पाए। और प्लस इसमें जंगल में इन्होंने बड़ा तालाब की व्यवस्था करानी चाहिए थी, जहाँ पे आर्टिजन होना चाहिए था जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए। इन्होंने जंगल विभाग वालों ने जंगल विभाग वालों ने कोई जी, जो जंगल से हाथी जो है, ये आप जयनगर का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे सोलर फेंसिंग लगी हुई थी जिसको तोड़ते हुए हाथी अंदर आया हुआ है और ये खेतों में आया हुआ है। और प्राइमरीली देखते हुए तो लगता है, क्योंकि तारे यहाँ पे बहुत नीचे हैं, तो प्राइमरीली ये केस एक इलेक्ट्रिफिकेशन का लगता है। हमने अपने संबंधित जो हमारे फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिशियल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लिए गए यहाँ पे, और जो फाइनल रिपोर्ट है कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है डेथ का, तो फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे। सर, दो तीन बार भगा चुके यहाँ से? जी नहीं, हमारे मौके पर हमारा स्टाफ मौजूद था। एंड मैं तो ये कहूँगा कि हमारे तरफ से सारी कोशिशें पूरी कर ली गई थी, यहाँ पे प्रॉपर सोलर फेंसिंग कर ली गई थी, और पर उसको तोड़ते हुए जो है हाथी, इसको लोगों का ना कि आए दिन की घटना, जो भी इस पे दोषी होगा उस पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।